नमस्कार, आप देख रहे हैं राजपाट टीवी और मैं हूँ आपके साथ सपना ठाकुर। रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। परम पूज्य बाबा श्री जय गुरुदेव महाराज जी के जन्मदिन की 2003 में एक विशाल काफिले के साथ मटेरा की पावन धरती पर तिलक इंटर कॉलेज के प्रांगण में सुबह 5:30 बजे पहुंचे थे। उसी दिन की याद में परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव महाराज के भक्तों के द्वारा मटेरा चौराहे से बटेरा बाजार तिलक इंटर कॉलेज में 5:30 बजे सुबह काफिला निकाला जाता है, जिसमें परम पूज्य बाबा जय गुरु देव महाराज जी के वचनों की जय घोष करते हुए भव्य रैली का आयोजन किया जाता है। इसके बाद भजन करने के बाद भंडारे का आयोजन किया जाता है। उसी दिन के याद में तब से ये दिन हर वर्ष बड़े धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, जिसमें स्थानीय लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। बाबा जय गुरुदेव के भक्तों के द्वारा आम जनमानस को संदेश दिया जाता है, अंडा मछली मांस शराब से दूर रहो, शाकाहारी रहो, अच्छे कर्म करो, सुबह शाम भजन करो, शाकाहारी रहोगे पर्यावरण स्वच्छ रहेगा, मानव जीवन अच्छा रहेगा, रोग दुख नहीं आएंगे। लखनऊ में मंगलवार को केंद्रीय राज्य मंत्री और मोहन लाल गंज लोकसभा से सांसद कौशल किशोर जी द्वारा चलाए जा रहे नशा मुक्त समाज आंदोलन अभियान कौशल का इसके तहत चंद्रिका देवी रोड BKT लखनऊ में GCRG ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के चेयरमैन डॉक्टर अभिषेक द्वारा आयोजित नशा न करने के संकल्प कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित हुए और वहां उपस्थित हजारों छात्र छात्राओं युवाओं को संबोधित किया और उन्हें नशे के खिलाफ जागरूक किया और साथ ही सभी को अपनी जिंदगी में नशा न करने की, अपनी दोस्ती नशा मुक्त दोस्ती बनाने और अपना परिवार, अपना समाज और अपने देश को नशा मुक्त बनाने में अपना योगदान देने का संकल्प कराया। वहीं गोंडा में तेज रफ्तार का कहर दिखा, जो स्कूल जाते समय मासूम बच्चों को कार ने रौंद दिया। मौके पर 3 मासूमों की मौत हो गई और एक की हालत गंभीर बनी हुई है। आपको बता दें कि गोंडा में लखनऊ हाईवे पर स्थित चौरी चौराहा के पास गोंडा से तेज रफ्तार आ रही कार ने स्कूल जाते समय 4 मासूमों को रौंद दिया। कार की तेज टक्कर से 3 मासूमों की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं एक बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया। मिली जानकारी के अनुसार 4 मासूम बच्चे चौरी ग्राम सभा के सूबेदार पूर्वा के निवासी बताए जा रहे हैं। घायल की सूचना पर पुलिस पहुंची और शव को कब्जे में लिया। घायल को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। थाना कथलगंज क्षेत्र में जनपद गोंडा में सुबह से लापरवाही पूर्वक गाड़ी चलाते हुए एक ऑल्टो कार द्वारा एक्सीडेंट किया गया, जिसमें 3 बच्चों की डेथ हो गई। एक बच्ची है जिसका जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। DM साहब हमें यहाँ पर आए हुए, उसकी स्थिति एकदम सामान्य है। बाकी जो कार है उसको पुलिस द्वारा पकड़ लिया गया है। उसके खिलाफ मुकदमा लिख के जो चालक था और जो सख्त से सख्त कार्रवाई हमारे द्वारा की जाती है। खबर बहराइच से है, जो पिछले एक सप्ताह से शेरपुर ब्लॉक क्षेत्र के बाढ़ का पानी तबाही मचा रहा था। बाढ़ का पानी कम होने पर प्रभावित क्षेत्रों के लोगों ने जहां राहत की सांस ली, तो वहीं तटीय इलाके के लोगों की एक बार फिर सरयू नदी की तेज धारा के धड़कने से बाढ़ दी गई है। दरअसल सरयू नदी की तेज धारा में सैकड़ों बीघा उपजाऊ भूमि कट गई है। अब सरयू नदी चौकसहार के परागी बिल्ली और बदबूपुरवा एवं बाजपुरवा गांव में तेजी के साथ कटान हो रही है। बदबूपुरवा गांव निवासी ज्योति प्रताप सिंह पप्पू हौसी समेत कई लोगों ने बताया कि इस वक्त उनकी कटाई अब तेजी से हो रही है और साथ ही दर्जनों गाँव के लोग कच्चे और पक्के मकान सरयू की धारा में समाहित हो गए हैं। वही करीब 1 दर्जन मकान कटने के कगार पर है। सरयू नदी की कटान को देख तटीय इलाके में लोग सदमे में आ गए हैं। बाढ़ पीड़ित क्षेत्र के लोगों का कहना है कि भयावह बाढ़ के दौरान शासन प्रशासन की ओर से कोई व्यवस्था नहीं मिली है और ना ही कटान होते समय कोई हाल पूछने आया है। बाढ़ पीड़ितों के पास खाने से लेकर रहने तक की समस्या आ गई है। बाढ़ पीड़ितों तक को अभी तक त्रिपाल तक नहीं पहुंचा और ना ही कोई सामान पहुंचा है, जिससे छोटे छोटे बच्चे भी भूख से व्याकुल है। योगी बाबा के राम राज्य में नशेबाज शिक्षक तैयार अपना देश का भविष्य कर रहे। शिक्षा के मंदिर में नशेबाज शिक्षक का नशे में धुत होकर आने का वीडियो वायरल हुआ। नशे की हालत में धुत होकर स्कूल पहुंचता था मास्टर, नशे की हालत में बच्चों को ज्ञान देता था शराबी मास्टर, नशेबाज वाला ज्ञान दिया करता था, जिसमें नशे की हालत में धुत होकर स्कूल पहुंचने पर अभिभावक को जमकर मास्टर ने गालियां भी सुनाई थी। उन्नाव के जूनियर प्राथमिक स्कूल अतरसा का ये वीडियो बताया जा रहा है, जहां पे BSA संजय तिवारी ने अब जांच के आदेश दिए। अयोध्या रामनगरी में दीपोत्सव को लेकर तैयारियां तेजी हो चुकी है। वही अयोध्या कमिश्नर और दीपोत्सव के नोडल अधिकारी अवध विश्वविद्यालय के चीफ प्रोटेक्ट ने
राम की पौड़ी का निरीक्षण किया, जहाँ 15 लाख से ज्यादा दीपक पहुंचे राम की पौड़ी के घाटों पर। बाती तेल भी दीपोत्सव स्थल पर पहुंच चुका है। दीपक बनाने के लिए संस्थानों ने भी कार्य शुरू कर दिए। राम की पौड़ी पर स्टेज बनाया जा रहा है। रामकथा पार्क पर भी तैयारियां जोरों से शुरू हो चुकी है। महज एक हफ्ते से कम समय बचा है दीपोत्सव के लिए, जहां विदेश समेत देश के विशिष्ट मेहमान दीपोत्सव में शामिल होंगे। 15 लाख दीपक जलाकर कीर्तिमान स्थापित करने का प्रयास है। विश्वविद्यालय में जहां 17 लाख दीपक जलाए जाएंगे राम की पौड़ी के घाटों पर। अवध विश्वविद्यालय के 22,000 वॉलेंटियर 17 लाख दीपक जलाएंगे, जहाँ राम नगरी को अब दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। आज दीपोत्सव जैसा 23 तारीख को संपन्न होने वाला है, उसकी तैयारी के संदर्भ में आज बैठक की गई है। जैसा हम सबको पता है कि उसमें लगभग 22,000 वॉलंटियर्स की सहायता से वो दीपोत्सव संपन्न किया जाएगा। 21, 22 और 23 तीन दिन तक वॉलंटियर्स के उपयोग से दिया बिछाना, तेल जलाना, तेल लगाना और दिए जलाने का कार्यक्रम होगा। तो ये वॉलंटियर्स की ट्रेनिंग के लिए बैठक बुलाई गई थी कि किस तरह से उनको अपना कार्य संपादित करना है। इसमें जैसा हम सबको पता है कि ये उत्तर प्रदेश शासन का, पर्यटन विभाग का और राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय तथा जो जिला प्रशासन है, सबके सहयोग से ये दीपोत्सव मनाया जाता है। प्रयास ये है कि इस बार ये अतुलनीय और अद्भुत हो, इसलिए ये वॉलंटियर्स की ट्रेनिंग के लिए ये रखा गया। जनपद अयोध्या में 23 तारीख को दीपोत्सव का कार्यक्रम प्रस्तावित है। उसी के दृष्टिगत आज जो वॉलंटियर्स हैं हमारे बच्चे जो दीप जलाते हैं, उनकी ब्रीफिंग रखी गई थी। यहाँ पर जो सुरक्षा से संबंधित बिंदु है हमारे, उसके संबंध में हमने उनको अवगत कराया। उनसे किस प्रकार की कार्रवाई अपेक्षित है, ये इस संबंध में उनको बताया गया और हमारे सुरक्षा प्रबंध किस तरह के रहेंगे, इस संबंध में भी अवगत कराया गया है। बच्चों ने और हम सब मिलकर एक टीम की तरह काम करते हुए इस कार्यक्रम को सकुशल सम्पन्न कराएंगे। ऐसे तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए राजपट टीवी, सबसे पहले भारत।